Okay. Today's our topic modals. हमने जितनी भी वीडियो डाली है तो उसमें बहुत आपकी व्यूअर वाचिंग टाइम बहुत अच्छा मिला हमें. आई होप नेक्स्ट वीडियो ये भी हम अच्छी डालेंगे और आपके व्यूअर हमारे लिए अच्छे होंगे. चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है. सेम स्टडी के नाम से हमारा जो चैनल है, सबसे पहले हमारे चैनल का है कैपिटल एस आएगा, सेम STUDIES स्टडीज पॉइंट. ओके डियर, ये हमारे चैनल का नाम है, इसको आप सर्च कर लें. हमने 7 वीडियो पहले डाल रखी है, 8वीं वीडियो में डाल रहा हूँ मॉडल्स की. मॉडल्स में क्या होता है माय डियर, दो वर्ब होती है. एक को हम प्राइमरी वर्ब बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, डू, डज, ये सारी वर्ब है जो मैंने आपको टेंसेस में करवा दी गई है. इनका गो थ्रू हो चुके हो आप, इज का, एम का, आर का, वाज का, वर का, ये सारी की सारी आपको मैंने करवा दिया. लेकिन आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको. जैसे क्या होता है, जैसे आपने देखा कैन, कुड, कैन का पास्ट होता है कुड, मे का पास्ट क्या होता है माइट, सेल का, विजुअल इट आपको दिखाई दे रहा है, नीचे से आपको दिखाई दे रहा है, सेल का सूट, ठीक है, दे आर, नीड्स, मस्ट, एंड, ऑट टू, जितनी भी वर्ब है ये मैं लिख रहा हूँ आपको, सारी की सारी कैन है, मे है, माइट है, मस्ट है, डेयर है, नीड है, ये सारी की सारी इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं. इनके साथ हमेशा वर्ब की वी वन का यूज होता है डियर. इनके साथ हमें चेंजेस करते हैं, जैसे इसके बारे में मैंने बताया आपको, सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ दोनों वर्ब का, आप ध्यान से देखना है एग्जाम्पल में. जैसे मैं लिख रहा हूँ कि राम, यानी कि मैं लिख रहा हूँ ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है. लेकिन जब वी लिखते हैं ना, वी आर गुड बॉय, ये सेंटेंसेस में देखोगे आप, जब हम प्राइमरी वर्ब इज के साथ हमें सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्रूफ सब्जेक्ट आ जाता तो हम आर का यूज करते हैं. लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, वो सेम की सेम बनी रहती है डियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती. राइट, देखिएगा यही सेकंड एग्जांपल. जैसे मैंने ये प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब उसका एग्जांपल दिया है. नेक्स्ट देखिएगा मॉडल का, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में एग्जांपल देता हूं. जैसे आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, ही कैन डू इट, ही कैन डू इट. ये देखिएगा आप, कैन अपना पोजीशन वहीं पे ले रखा है, कैन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है डियर. यहाँ पे जैसे मैंने ही की जगह वी का यूज कर दिया तो वहां पे परिवर्तन देखने को मिला डियर आपको. लेकिन जब मैं आई के साथ कैन का यूज कर रहा हूँ तो कोई परिवर्तन है. जैसे ये पॉलीफॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन फिर भी आप कैन का एक ही जगह अपना यूज होता है कैन का, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रहती है. लेकिन जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस बनाओगे, उस सेंटेंस में मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस में डालेंगे तो कैन की जगह हम आपको वर्ब बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है. ठीक है, बी कंसेप्ट जो बी वाला होता है ना, वो क्या हो जाता है, बी के हिसाब से मॉडल यानी कि पैसिव में जाके जब कैन के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हो. हमने एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियो बना रखी है, उसमें मॉडल ऑक्सिलरी का डाला नहीं है. वो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें मॉडल ऑक्सिलरी का भी आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में मिल जाएगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे जैसे कैन का यूज कहाँ पे होता है, कैन का यूज कहाँ पे होता है, जैसे कि आपकी एबिलिटी हो, आपके अंदर कोई पावर हो, कोई शक्ति हो, वहां पे कैन का यूज करें. जैसे मैं बोलूं आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, मेरे में पावर है, मेरे में कैपेसिटी है, अभी मैं 5 लैंग्वेज बोल सकता हूँ, मैं 5 भाषा ये. और क्या आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ये कैन का है. अगर मैं इस कैन का पास्ट में लेके चलता हूँ, कैन का अगर कई बार क्या होता है, गुड
पूछते हुए कैसे यूज होता है सर। जैसे मैं बोलूं कि व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्रॉस द जिम, ये पास्ट में चली गई बात। अगर कोई भी पास्ट कैन से आप पास्ट में जाते हो ना, वहां पे क्या होता है कि कैन का पास्ट बनाने के लिए हमें कुड का यूज करना पड़ता है, कैन का कुड होता है पास्ट। जब कोई भी कहता है मैं जब जवान होता था ना तो ये कर सकता था, वो कर सकता था, पास्ट की बातें। एबिलिटी कैपेसिटी पावर, एबिलिटी कैपेसिटी पावर, ये सारी चीजें अगर प्रेजेंट में मिले आपको तो आपको कैन का यूज करना है भाई। अगर आपको पास्ट में ये चीजें मिले तो वहां पे आपको कुड का यूज करना पड़ता है, कैन और कुड का। वेरी सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश करो माय डियर। उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल भी लेके चलता हूँ डियर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है वो आपको मैं मे का देता हूँ। मे का एग्जांपल देखिएगा। मे जैसे आपको परमिशन लेना हो, परमिशन के लिए आपको मे का यूज करना पड़ता है। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कैन इन सर, और ये सिंबल याद रखना आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट दिस इज द सिंबल्स। अगर पेपर में आ जाए ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे आगे आपको खालिस्तान ब्लैंक मिले तो वहां पे मे का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही परमिशन वगैरह हो आपका, जैसे कोई भी किसी से आप हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे मे का, अगर आप ऐसे जोर लगा के किसी को बोल सकते हो ये दे दे, ऐसे नहीं बोल सकते, मे का यूज करना पड़ेगा आपको, मे प्लीज गिव मी। और माइट का आपको पता है, माइट का यूज संभावना के लिए यूज होता है बिल्कुल, और इसका मे का पास्ट भी होता है। माइट यानी कि संभावना। मैं जैसे कोई भी मे इट माइट रेन, मैं बोल सकता हूँ भी आज संभावना है कि बारिश हो सकती है, 25% ही संभावना हो, वहां पे आपको माइट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, एक हमारा क्या होता है परमिशन के लिए, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। आपसे बड़े से अगर आप परमिशन ले रहे हो, आपसे जो बड़ा, मैं आपसे बड़ा हूं तो आप मेरे से परमिशन ले रहे हो तो आपको मे का यूज करना पड़ता है, लेकिन आप कैन का यूज वहां कर सकते हो। जैसे आप दोनों ही साथ में, अगर आप दोनों एक ही क्लास में हो तो वहां पे आप बोल सकते हो उस बंदे कैन आई डू इट, भाई उस बंदे को आप बोल सकते हो। अगर मेरे को बोलोगे तो मे लगाना पड़ेगा आपको, मे आई गो टू वॉशरूम लाइक दैट, एनीवे वी यूज इन द स्कूल कैंपस, मेनी स्टूडेंट यूज दिस लैंग्वेजेस, ओके। लेकिन कैन का यूज आपके सहपाठी आपके साथ का हो उनके साथ आपको कैन का यूज करना पड़ता है। मे और माइट का मैंने आपको कंसेप्ट बताया बिल्कुल सिंपल वे में, आप इसको अपने बुक में नोटबुक में देखो धीरे से करके, अगर जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन हमारा कमेंट करेगा आपका, ठीक है। कमेंट में कई बच्चों का मेरे पास फोन वगैरह आ रहा है, अभी कमेंट आपके चल नहीं रहे सर और थंब इंप्रेस नहीं चल रहा, वो हम स्टार्ट कर देंगे। एक बार आप कमेंट में अपना जो भी डाल रहे हो, आप डालने की अभी कोशिश नहीं करें क्योंकि कमेंट हमने हिडन कर रखा, उसके बाद में कमेंट का भी ओपन कर देंगे, ठीक है डियर। उसके बाद में एक सेल होता है, आपको पता है आईवी के साथ सेल लगता है, और एक इसका पास्ट होता है सूट, क्या होता है सूट, ठीक है। ये मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनेट की जो मैंने वीडियो डाली आज मॉर्निंग में, उस वीडियो को आप ध्यान से देखना माय डियर, उसमें सेल और विल का स्पेशल मेंशन किया हुआ है। आईवी के साथ डिटर्मिनेशन हो दैट नेचर हो तो विल का यूज करते, बाकी आईवी के साथ सेल का यूज करते, ओके। सूट का आपको पता है भाई, आपको एडवाइस के लिए, एडवाइस आपकी सलाह दे रखी है आपको, ठीक है, आपकी जो ड्यूटी, ठीक है, कर्तव्य है आपका, ड्यूटी है, एडवाइस है, जो भी चीजें हैं, जैसे भाई वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, यानी कि एल्डर पेरेंट्स जो भी है करना चाहिए आपको, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने तो आपको एडवाइस तो दी है, वी शुड ओबे, हमें करना चाहिए अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी, लेकिन करो ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये ड्यूटी बनती है आपकी, इस पे ज्यादा कमांड ज्यादा फोर्स नहीं किया गया आपको सूट में, भाई ये ड्यूटी बनती है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपको मैं सलाह देता हूँ कि भाई यू शुड नॉट स्मोकिंग, यहाँ पे आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, यानी कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए आपको, वो मेरी एडवाइस है आपको, अगर झूठ नहीं बोलना चाहिए आपको,
ये काम नहीं करना चाहिए आपको, ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आपको एडवाइस सही लग रही है तो आप एक्सेप्ट करो, नहीं एक्सेप्ट ना करो, इसमें पूरा कमांड नहीं होता आपके ऊपर। सेल का मैंने बताया था आपको, आई सेल विल सेल काम करता है फ्यूचर वाला इलेक्ट्रेन में जैसे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे आइएगा, बिल्कुल सिंपल वे में छोटा छोटा फॉर्मूला बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो भी हम डालेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। आपको अब गो थ्रू करा रहा हूँ मैं भी, मॉडल्स होते क्या है, क्या चीज होती है, कैसे मॉडल्स का यूज किया जाता है, प्राइमरी वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इन चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप मस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस मानता हूँ इसको, यानी कि 100% इस चीज में, यानी कि मस्ट तो वहां पे यूज करना है, वी मस्ट ईट फूड, हमें खाना चाहिए खाना, ना खाओगे तो मर जाओगे, 100% है ये बात। वी मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी वायर, उसको नहीं छूना चाहिए था, तो छूओगे तो आपको पता है शॉक्स लगेगा, करंट लगेगा, शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा, वहां पे मस्ट का यूज करना है। ऑब्लिगेशन, पूरी ऑब्लिगेशन हो वहां पे, पूरा कमांड हो, जैसे एग्जामिनेशन में अगर आप बैठे हो तो वहां पे अगर बोला जाए आपको प्लीज मस्ट स्विच योर फोन, आपको बंद करना है फोन, वहां पे आपको मस्ट का यूज करना, भी जहां पे पूरी कंपल्सन हो, पूरी की पूरी, वहां पे मस्ट का यूज होगा। एंड नेक्स्ट में आपको डेयर है, नीड है, ओट टू है, और हैड टू है, हैव टू है, वो कैसे हैड, हैज टू है, हैव टू है, इसी के है, हैड टू है, ये चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। माय डियर, थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड बाय।